हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछले दो वीडियो में जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था। आज हम 11 से शुरू करेंगे, 18 क्वेश्चन टोटल हैं, कर लेंगे आराम से। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सिद्ध करो कि -1 to 1 इंटरवल दिया है, ये फंक्शन दिया है, बताना है कि फंक्शन ना तो वर्धमान है तो ह्रासमान है, यानी कि एक बार उठेगा एक बार गिरेगा। चलो दिया है या फिर एक्स बराबर गिवेन है, यहाँ पर लिख सकते हो गिवेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2x-1 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। जल्दी जल्दी लगाओ नहीं तो टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगो, तो गलती हो जाएगो। एक्स बराबर 1/2 आ गया, नंबर लाइन बनाएंगे, इंटरवल हमको दे दिया है कि -1 से 1 तक, और हमारा यही वाला है 1/2 पे चेक करना है, नहीं और मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट हमको मिला है या इसके बीच में ही मिला है, क्वेश्चन ऐसे बना था। इंटरवल, इंटरवल के बाद आप लिखोगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, कैसे पता चलेगा, नेचर इंटरवल एक बार -1 से 1/2 और एक 1/2 से 1, इसमें देखो एक पॉइंट हमको मिलेगा 0 0, यहाँ पे रख के देखो 0 रखोगे तो आएगा -2, यहाँ पे फंक्शन करेगा डिक्रीज। 1/2 से 1 के बीच में कोई पॉइंट ले लो आराम से, 1.2 आधा, मतलब कि आधा 0.5 0.7 1/10 हो सकता है, यहाँ पे 7/10 ले लो, तुम्हारी मर्जी कोई पॉइंट यहाँ पे ले लो। तो ये पाओगे 2×7/10 -1 14/10 -1 1.4, ये तो आएगा पॉजिटिव, नहीं लो आपका दिमाग आप काम कर रहा होगा। अब कहोगे सर -1 से 1 में एक बार यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है यहाँ से फिर उठ के इंक्रीज कर रहा है। लो इसी एक के चीज़ में जब डिक्रीजो हो इंक्रीजो हो तो से बोलते हैं, ना तो डिक्रीज कर रहा है ना तो इंक्रीज कर, लिखना यहाँ पे बढ़िया से विस्तार से कहानी बना के अपने लिखना, मैं अब तुम्हारा हेल्प नहीं करने वाला, चलो कर देता हूँ। लिखना कि चूंकि -1 से 1/2 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिर 1/2 से 1 में डिक्रीज अरे इंक्रीज कर रहा है, सो 1 से 1 में फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना इधर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन है 12 पर। अगला 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फलन 0 to π/2 में ह्रासमान है, डिक्रीज वाला देख रहे हैं। चार फलन है, पहला सॉल्व करते हैं, मान लो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है तो वर्धमान ह्रासमान देखने के लिए एफ डैश एक्स करना पड़ेगा माइनस साइन एक्स, हो गया। अब आपका डोमेन क्या दिया है, डोमेन एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ, 0 से π/2 पहला वाला चतुर्थांश, ये साइन एक्स केवल हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होगा, 0 से π लिखना पड़ेगा, चूंकि एक्स बिलोंग्स टू अगर 0 to π/2 दिया है डोमेन में, साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इसके अगवा क्या लगा माइनस ना, माइनस साइन एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव इन एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2, नेगेटिव आएगा ना, सो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन द डोमेन 0 to π/2, अतः एफ एक्स बराबर कॉस एक्स एक ह्रासमान फलन है इस वाले अंतराल में, ठीक है ना, हो गया। देखो ये बेटा ये वाला पोर्शन हमेशा प्लस आएगा इस अंतराल में, लेकिन ये बाहर लगा है माइनस, ये हमेशा माइनस बना देगा, ये प्लस होके आएंगे माइनस। मान लो यहाँ से 0 से 45 रख लो, 45 रखोगे तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये लगा है माइनस, माइनस 1/√2 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हर बार है तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन है। अभी है ह्रासमान कौन सा, यह पहला वाला है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा चेक करते हैं, ऐसी चर्चाओं पे ख़त्म कर देंगे एक्सरसाइज को। एफ एक्स बराबर क्या है cos 2x, लो अब हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर cos 2x का माइनस sin 2x और 2x से हो जाएगा 2। अब ये देखो जरा, अब -2 तो है ही, इसका कोई बात ही नहीं है, इसको ऐसे रहने दो। sin 2x पे चर्चा कर लेते हैं, sin 2x पे एक बात ध्यान दो कि x बिलोंग्स कहाँ से कहाँ, 0 से π/2,
तब 2x क्या हो जाएगा, 2 का गुणा या भी 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 गुणे तो हो जाएगा पाई, दोनों पक्ष में 2 गुणा कर दिया, हो गया। अब अंतराल ऐसा होगा, इनके लिए अंतराल ऐसा फॉलो करेगा, तो 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, या इसमें तो r पॉजिटिव होता ही होता है, साइन यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ से यहाँ तक साइन क्या हो जाएगा, ये फलन पॉजिटिव होगा, मतलब कि 2x से जो 2x है, 2x में कुछ भी आ सकता है, 0 से पाई के बीच में कुछ भी आ सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव, यानी कि साइन 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव इन डोमेन क्या, चाहे तो तुम लिखो 2x के लिए क्या है 0 टू पाई, हमेशा पॉजिटिव होगा, बट माइनस 2 के साथ एफ डैश एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव होके आएंगे लेकिन ये बना देगा नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग इंटरवल कहाँ से कहाँ, 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 अपने चेक कर रहे हो, तो इनके लिए बनाना पड़ा, बस हो गया, यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, तीसरा चेक कर लेते हैं, देखते हैं तीसरे में क्या होता है, इंक्रीज की डिक्रीज होता है। तो ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, बिना सोचे काम नहीं होने वाला। देखो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर कॉस 3x, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर माइनस 3 साइन 3x। अब मतलब कि जब x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2 हमको यही बस दिए हैं, x इसी में बिलोंग करता है, तो जब 3x कर देंगे तो दोनों पक्ष में 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 0 ये 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 होता है। अब ऐसे यहाँ से यहाँ तक, अब मैं देखो जरा साइन 3x यानी कि साइन 3x इज पॉजिटिव इन 0 से पाई। अब 3x के लिए अंतराल तो यह बन गया ना, 0 से लेकर 0 ए पाई बाई 2 ए पाई, ये 3 पाई बाई 2 है, 0 टू पाई में हमेशा ये पॉजिटिव होगा, ध्यान देना, 0 साइन 3x इज पॉजिटिव इन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, 0 से पाई तक हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए यह अभी यह बस है, अभी बात करते हैं उस पर भी, एफ डैश एक्स ये हमेशा जब पॉजिटिव होगा तो ये माइनस मिल के पार्लर से क्या बना देगा माइनस, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव इन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, एक बार नेगेटिव होगा। चलो अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, फिर अगली चर्चा यहाँ पे अभी इस वाले पे करना पड़ेगा ना, हम कहेंगे साइन 3x इज ऑलवेज नेगेटिव इन x बिलोंग्स टू पाई से 3 पाई बाई 2। अब इस तीसरे वाले में पड़ेगा यह वाला पोर्शन ना, क्योंकि हमारा अंतराल तो यह मिला है, इस अंतराल को हमने तो भागों में बांट लिया, दिमाग काम कर रहा था बांट लिया, यहाँ से यहाँ तक साइन प्लस होगा, साइन प्लस होगा तो प्लस माइनस मिलकर ये वाला माइनस बन जाएगा, लेकिन इस वाले अंतराल में साइन यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा तो ए नेगेटिव और ए नेगेटिव, हम कहेंगे इसलिए एफ डैश एक्स इज ए पॉजिटिव इन एक्स बिलोंग्स टू पाई से 3 पाई बाई 2 तक, ठीक है ना। अब पूरा कारण यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जब एक क्या फंक्शन हमारा एक बार इंक्रीज करे एक बार डिक्रीज करे तो हम बोलेंगे इसलिए एफ एक्स बराबर कॉस 3x ना इधर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ना तो इंक्रीज कर रहा ना तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। 0 से देखो मैं इसको नंबर लाइन बनाऊँ, अगर 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 तो जानते हो क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज करेगा, अरे डिक्रीज करेगा, डिक्रीज डिक्रीज कर रहा है ना, माइनस में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करेगा, फिर पाई से लेके यहाँ तक फिर प्लस आ रहा है तो डिक्रीज करेगा। तो जब एक के फंक्शनों में एक बार डिक्रीज करे एक बार इंक्रीज, तो उसे बोलते हैं ना इधर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ये भी लग गया, आसान सा था, चर्चा करनी आपको आनी चाहिए, पॉइंट बांटने आना चाहिए। यहाँ पे देखो 3x के लिए वही है तो वही चीज, छेड़ा थोड़ी ना हो, इधर भी 3 का गुणा इधर भी 3 का गुणा किया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना इज नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज इन x बिलोंग्स टू, आप ये वाला लिखना, आखिर वही तो है,
वही है ना, ये अभी वही है, अभी दोनों सेम है। बस इनके लिए हमने देखना चाहा कि 3x के लिए पूरा पूरा क्या हो रहा है। 3x के लिए 0 से 3π/2 कुछ भी हो सकता है। तो 3x एक थीटा मान सकते हो, थीटा मान सकते हो, यानी कि थीटा का मान 0 से लेकर के 3π/2 तक, यहाँ से यहाँ तक प्लस, यहाँ से यहाँ तक माइनस। एक बार ये आएगा माइनस, एक बार ये अब डैश आएगा प्लस, एक बार इंक्रीज करेगा, एक बार डिक्रीज करेगा, तो ना इधर इंक्रीज ना डिक्रीज बोलेंगे। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? हम समझ रहे हैं। अगर 10th में पढ़े हो बढ़िया त्रिकोणमिति, तो और नहीं पढ़े हो तब कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं पढ़े हैं तब वो हम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ तब वो नहीं पढ़ाएंगे। दो लोग मिले हैं, ए नहीं मिला, इसको टेन एक्स को देख लो। एफ एक्स बराबर टेन एक्स, एफ डैश एक्स बराबर टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, वन अपान कास स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, कास स्क्वायर एक्स। ये तो कभी निगेटिव होने वाला ही नहीं है, स्क्वायर लगा यार ये देखो, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इस अंतराल में कभी स्क्वायर वैसे भी है तो हमेशा पास, चूंकि कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई इंटरवल रहे, लेकिन पाई बाई टू नहीं रखना है, पाई बाई टू रख तो इनफाइनाइट है, इसीलिए ओपन लगाया है, इज ऑलवेज पॉजिटिव लिख लो। इन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू, तो ये पास टू, इसलिए एफ डैश एक्स भी क्या हो जाएगा, ये पास टू तो कितना भी छोटा है लेकिन पास टू तो आएगा ही, इज पॉजिटिव इन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू। यहाँ यहाँ पे हम बोलेंगे सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये वर्धमान फलन हो गया, ठीक है ना, यानी कि ह्रासमान में यह मिला, यह मिला है, यह क्या मिला है, ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान, यह क्या मिला है, वर्धमान मिला है, बस हो गया 12। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो 13 कह रहा है निम्नलिखित फलनों में से किस अंतराल में एफ एक्स बराबर एक्स सौ प्लस साइन एक्स माइनस वन द्वारा प्रदत्त फलन ह्रासमान है। चार विकल्प है, ढूंढो यार क्या करना है। लो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा 100x पे 99 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, हो गया, चेक कर लो अब एफ डैश एक्स, चेक कर लो इन पे, चेक कर लो एक बार कि वर्धमान है कि ह्रासमान है, इन पे चेक करो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 0 से 1। तो देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, 0 to 1 में हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 to 1 में हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 हो सकता है अगर, लेकिन 0 लेना नहीं है, ओपन लगा है, इसके बीच में कोई पॉइंट लोगे हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि हम कहेंगे इन इंटरवल 0 to 1 ये जो है ना इज ऑलवेज पॉजिटिव, या ऐसे लिख दो बड़ा होगा हमेशा 0 से, और 0 to 1 वाले इंटरवल में यानी कि 1 रेडियन में कितना डिग्री, 57 डिग्री होता है, पाई रेडियन में 1, पाई रेडियन में 180, तो 1 में 180 बटे पाई, यानी कि 180 बटे 1/22 बटे लगभग 57 अंश होता है, और 0 से 57 के बीच कास एक्स क्या होगा, 0 चाहे 0 रखना नहीं है, 1 अंश 2 अंश 3 अंश 4 अंश रखोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, कॉस एक्स ऑलवेज 0 बड़ा से होगा। सो इसमें तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, दोनों पाई अभी पॉजिटिव ही पॉजिटिव, इसलिए एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल, इसमें डिक्रीज कर रहा है, इसको मिटाते हैं, सॉरी इंक्रीज कर रहा है, क्या लिखा है, रो गलती लिख दिया, पॉजिटिव आ गया ना तो इंक्रीज करेगा, चलो हमको डिक्रीज छोड़ना है, ये तो वो खत्म हो गया है, नहीं है। अब आ जाओ पाई बाई टू से लेके पाई, तो एफ डैश एक्स झूठे मिटा दिया, ये तो वही आएगा बार बार, पाई बाई टू से लेके पाई बात करनी है आपको ना, कोई बात नहीं। अब देखो पाई बाई टू का मतलब है कि लगभग इनके लिए मान रखना है ना, तो 22/7 × 2 ये हो जाएगा 22/7 यानी कि 22/14 आएगा ना, से लेकर के पाई, पाई मतलब क्या 22/7 तक, इनके बीच में कोई इसको बढ़िया से बना लोगे ये 3.14 और ये हो जाएगा 14 1 पॉइंट कुछ, इसके बीच में कुछ ले लोगे, इनके बीच में यहाँ पे कुछ ले लोगे, हम कहेंगे इन इंटरवल, ये वैल्यू मांगेगा, ये वाला डिग्री मांगेगा, कोई बात नहीं, पाई बाई टू टू पाई यानी कि 22/14 से यानी कि 3.1 पॉइंट कुछ से 3.1 पर भाग अपना दे लेना,
इसमें कुछ भी करोगे यह 100 x 99 हमेशा बड़ा होगा किससे, जीरो से, नहीं अब बहुत बड़ा होगा खाली बड़ा वरना नहीं होगा। 1 पॉइंट कुछ है तो कुछ रखोगे तो लगभग 2 भी यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो 2 रखोगे तो पता नहीं कितना बड़ा आएगा, अरे बहुत बड़ा आएगा। और हाँ cos x इज, ये तो पॉजिटिव हो गया, और cos x क्या होगा, नेगेटिव होगा यार, ये तो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा पाई बाई 2 से लेके पाई तक, सेकेंड कोऑर्डिनेट है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होगा, बट ये पॉजिटिव है नेगेटिव। ए देखो cos की वैल्यू है जब -1 से लेके 1 के बीच ही होती है, cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 के बीच होती है, कुछ भी होगा तो यार 100 गुना कहाँ, कुछ भी होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, तो घटाओगे तो फिर लास्ट में एट लास्ट क्या होगा, f'x इज पॉजिटिव मिल जाएगा, नहीं बस सोचना बस है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, यहाँ पॉजिटिव तो है लेकिन बहुत बड़ा है, 100 से ज़्यादा कहीं हमेशा मिलेगा आपको, क्योंकि 1 से देखो 1 से ज़्यादा बड़ा है ना, इनके बीच में कोई भी मान लो आप 2 रखते हो या 1.50 रखते हो, इनके बीच में कुछ भी रखोगे यानी कि बहुत बड़ा आएगा यार, मतलब कि 100 से ज़्यादा आने वाला है, 100, 150, 200, और ये प्लस आएगा, ये माइनस में आएगा, ये बेचारे कितना आ सकते हैं, बहुत आएंगे तो माइनस एक उड़ के आएंगे तो प्लस एक आएंगे, वो अभी नहीं लेना है, उनके बीच में लेना है, तो घटाओगे तो एट लास्ट प्लस ही आएगा ना, हालांकि ये माइनस में आएगा जो भी आएगा, लेकिन इतने बड़े से छोटा वाला घटेगा तो एट लास्ट f'x प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ भी फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी गलत हो गया, हमको ढूंढना है केवल डिक्रीज, यहाँ पे नीचे लिखना है कि इंक्रीज यहाँ भी कर रहा है। अब 0 से लेके पाई बाई 2 में आओ, 0 से लेके पाई बाई 2 में, तो f'x बराबर 100 x 99 प्लस cos x, 0 से पाई बाई 2 में करोगे तो हाई भी हमेशा पॉजिटिव होगा, 100 x 99 हमेशा पॉजिटिव होगा 0 से पाई बाई 2 में, 0 लेना नहीं है, पाई बाई 2 मतलब क्या, तो वही 22 / 14 उसके बीच में कुछ लेके पॉजिटिव आएगा, cos x भी हमेशा पॉजिटिव होगा 0 से पाई बाई 2 में, पहला वाला चतुर्थांश है cos पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव ही पॉजिटिव, इसलिए f'x भी बड़ा होगा 0 से पॉजिटिव होगा, अतः अभी इंक्रीज कर रहा है, यह अभी पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव, यह भी इंक्रीज करेगा, तीनों इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि यार पूछ रहा है आसमान कौन है, तो कोई नहीं यार आसमान, सब वर्धमान फलन है, खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, बस करेक्ट 14 में एक अवमान याद करो जिससे कि ये अंतराल इतना में, यह अंतराल है 1 भी इंक्लूड है 2 भी इंक्लूड है, मैं इसमें चलो छोड़ो, अच्छा यह f(x) फला से प्रदत्त फलन वर्धमान, एक अवमान याद करना है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन का बात समझ रहे हो ना, चलो भी बताता हूँ, यानी कि इसका मान f'x निकालो पहले, तो जाएगा 2x प्लस a, हम कहेंगे अगर फंक्शन, यदि फंक्शन वर्धमान है, इंटरवल किस में, 1 to 2 में, तो f'x हमेशा बड़ा होगा 0 से, यानी कि पॉजिटिव आएगा, इन इंटरवल, हिंदी इंग्लिश में खूब लिख रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, मैं चाहता अभी हिंदी इंग्लिश लिखूँ, आपको थोड़ा मोड़ा क्लियर तो हो इंग्लिश, तो यानी कि f'x बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी कि 2x प्लस 1 बड़ा होना चाहिए 0 से, दोनों पक्षों में 2x घटा दो तो a बड़ा हो जाएगा -2x से, हो जाएगा ना, आपको ए का मान नहीं तो बताना है, ए बड़ा हो गयो -2x से, दोनों पक्षों में -2x घटाने पर, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहे हैं, ए का वह न्यूनतम मान बताओ, इस इंटरवल के लिए न्यूनतम मान बताना है, ठीक है ना। अब आपको ये भी दे दिया कि हाँ इसमें वर्धमान है फलन, वर्धमान फलन 0 से बड़ा है, इस वाले इंटरवल में सबसे छोटा कौन है, यही तो x के मान है वास्तव में, इस वाले इंटरवल में सबसे छोटा मान कौन है, 1 है, तो 1 रख लो, यानी कि a बराबर -2 × 1 बराबर -2 आएगा, सबसे छोटा मान है a का, a जो है ना क्या बोल रहा है कि देखो जरा, अगर वर्धमान है स्ट्रिक्टली नहीं कह रहा है तो यहाँ पे बराबर भी लगा सकते हो,
स्ट्रिक्टली का वर्डन नहीं कर रहा, यानी कि एफ डैश या तो जीरो से बड़ा है या तो बराबर है। अरे भाई देखो ये अभी वर्धमान है, देखो ये अभी वर्धमान है, भले यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो है तो क्या हुआ, लेकिन एट लास्ट तो वर्धमान ही है ना, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं लेकिन वर्धमान है, लेकिन इसमें इंक्लूड है ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे बराबर लगा सकते हो, बराबर लगा सकते हो। न्यूनतम के लिए हम कहेंगे फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम किस इंटरवल में, वन से टू में, वन भी इंक्लूड है टू भी, सबसे छोटा एक ही है इस वाले में, एक रख लिया तो ए एक्स बराबर एक रखने पर तो आ गया, बस यही तो करना था। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, कह रहा है कि मान लो माइनस वन टू वन से असंयुक्त एक अंतराल आई हो, इससे असंयुक्त यानी कि इसको छोड़ करके, अभी क्वेश्चन जब करोगे तो पकड़ लोगे क्या होता है। आई में फला फलन से प्रतिफलन वर्धमान है, चलो सॉल्व करते हैं पहले, अभी असंयुक्त का मतलब समझ जाओगे भी करते जाओ। एफ डैश एक्स करोगे तो अलग अलग हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक, इसका हो जाएगा माइनस एक बटे एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग खोजते हैं क्रिटिकल पॉइंट, खोजते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, पूरा एक्सरसाइज कॉन्सेप्चुअल है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो कहीं पे मिस नहीं करेगा, और आपको समझना भी पड़ेगा, आगे की पढ़ाई 12 की पढ़ाई कर रहे हो, नॉर्मल पढ़ाई थोड़ी कर रहे हो। तो ये हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस वन, एक्स बराबर प्लस माइनस वन, ठीक है। ये माइनस का इनफाइनाइट और ये प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये दो पार्ट में है, माइनस का वन ये प्लस का वन, ठीक है ना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, देखो ये अभी, अरे रुक जाइयो रुक जाइयो, यह अभी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन ओनली डिक्रीजिंग है। देखो यहाँ पे एक पर, लगभग एक पर एफ डैश एक्स यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे समांतर हो जा रहा है एक्स वाई अच्छे के, अरे एक्स अरे जो ए वाला लाइन है एक्स अच्छे के समांतर जा रहा है। यह अभी क्या है, यह अभी एक डिक्रीजिंग फंक्शन को ही डिनोट कर रहा है, ये अभी शामिल इसमें हो जा रहा है, अगर यही शामिल ना होता तब भी डिक्रीजिंग होता, बट स्ट्रिक्टली हो जाता बस। तो जीरो के बराबर भी जो होते हैं वो अभी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में भाग लेते हैं, वो सब भी वो भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए परेशान मत, देखो यहाँ पे अब क्या दिया है, इंटरवल जो दिया है क्लोज दे दिया है, अब कि इन दोनों को भी शामिल कर लिया, यानी कि माइनस एक को भी शामिल कर लिया, एक को भी शामिल कर लिया, खैर करना क्या है, चलो हम यहाँ पे चेक करते हैं। इंटरवल यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यहाँ पे नेचर, इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, माइनस वन से वन, अभी वाला इंटरवल देखो पूरा बना लेते हैं ऐसे ही, इनको भी इंक्लूड करना है यार। और ए वाला इंटरवल कैसा है, वन से इनफाइनाइट, इसमें ह्रासमान आना चाहिए, इसी को छोड़ना है, असंयुक्त है ना, इसमें ह्रासमान बाकी में वर्धमान आना चाहिए। अब यही जानो, यही आई है, यही दोनों आई को बनाते हैं। नोट लो एफ डैश एक्स सही है ना, इसमें आओगे तो कोई वैल्यू मिलेगा माइनस का टू, माइनस कोई भी माइनस में मिलेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हमेशा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा हमेशा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने माइनस वन नहीं लिया है, वो तो इसमें है, माइनस वन इसमें शामिल हो गया है, यहाँ पे नहीं लिया गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं, अभी इनको चेक कर, तभी इनको चेक कर लो, वन टू इनफाइनाइट, वन टू इनफाइनाइट टू मिलेगा आपको, टू मिलेगा तो वन बाई टू जीरो पॉइंट पर भी पॉजिटिव आएगा, अरे अभी इंक्रीज करेगा, ये अभी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नहीं ये अभी इंक्रीज करेगा। और हाँ अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, अब इसको आपको चेक करने के लिए सोचना पड़ेगा, अब इस पर माइनस एक भी शामिल करना पड़ेगा, एक भी शामिल करना पड़ेगा, और इसके बीच में कोई चीज़ हर जगह देखते हैं डिक्रीज कर रहा है क्या,
क्योंकि बोला इससे असंयुक्त, इससे मतलब कि इसको छोड़कर, बाकी में वर्धमान है फलन, इसको छोड़कर इसमें ह्रासमान आएगा। चलो माइनस वन को लेते हैं, इसमें माइनस वन से वन तक चलो चर्चा ही कर लेते हैं। अगर माइनस वन ले लोगे तो फलन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नहीं पॉजिटिव आएगा। चलो घबराना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे इस वाले केवल एक पॉइंट की चर्चा हो रही है ना अभी, इस वाले पे खाली इसी पे चेक हो रही है। जीरो ले लोगे, जीरो तब भी फलन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जीरो पे भी फलन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और एक ले लो, एक एक भी आपको शामिल करना है, ये जीरो आएगा। यहाँ भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी फंक्शन आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इतना तो हो गया। चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ अगर देखो, मैं ग्राफ अगर यहाँ से बनाऊँ इस बारे में, तो माइनस इनफिनिटी से हमारा फंक्शन है, देखो एक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ जीरो हुआ कहीं पर, नहीं देखो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। अब माइनस वन पे भी ऊपर जा रहा है, इस पर भी ऊपर जा रहा है, चलो लेके जाते हैं। जीरो पे भी ऊपर जा रहा है, जीरो पे भी ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर ही जा रहा है। बट जब एक पे आप आए, जब एक पे आप आए तो फंक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फंक्शन बराबर हो गया, ऊपर जा रहा था, लेकिन इस वाले के लिए थोड़ा सा रुक गया, इस वाले पॉइंट को टेकअप करा मैंने तब, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा रुक गया, फिर उसके बाद फिर वन से लेकर इनफाइनाइट तक फिर ऊपर गया, ठीक है ना। अब क्या पता चल रहा है कि यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से प्लस वन तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस वन तक, क्योंकि प्लस वन इंक्लूड नहीं है, छोड़ो यहीं तक आओ, इंटरनल तक अपने आओ, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक, ये क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये स्कोप क्यों नहीं लिया गया, देखो इससे असंयुक्त, इसको अगर ले लोगे ना तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब जीरो के बराबर हो गया है। स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज कर पाओगे, केवल इंक्रीज यूज कर पाओगे। इस वाले में क्या कर रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है बट स्ट्रिक्टली नहीं है, स्ट्रिक्टली नहीं है। और यहाँ पे क्या है, वन से इनफाइनाइट फिर क्या हो जा रहा है, स्ट्रिक्टली हो जा रहा है। यहाँ पे वन इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे माइनस वन इंक्लूड नहीं है। तीन हमको तीन इंटरवल मिले हैं, एक ए वाला इंटरवल और एक ए वाला इंटरवल और एक ए वाला इंटरवल, तीनों में चेक करा, सीधी सीधी बात यार, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन एक पे जीरो हो गया, एक पे डिवाइड बाय पॉइंट एस वन जीरो हो गया। इन दोनों में स्ट्रिक्टली लगा सकते हो, इसमें स्ट्रिक्टली नहीं लगा सकते हो, इंक्रीज तीनों कर रहे हैं, लेकिन इस वाले अंतराल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इस वाले अंतराल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इस वाले में केवल इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज यहाँ से यहाँ तक तो करा, लेकिन बेचारा यहाँ पे आके रुक गया था, इसलिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, इस वाले में वर्धमान, इस वाले में ह्रासमान है, प्लस माइनस चेक करना है। चलो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक बटे साइन एक्स साइन का कॉस, यानी कि कॉट एक्स, एफ डैश एक्स यही है। अंतराल देख लो, जीरो से पाई बाई टू में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हम कहेंगे कॉट एक्स, चूंकि कॉट एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इन जीरो से पाई बाई टू, तो इस वाले में क्या है, इसलिए एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग जीरो टू पाई बाई टू। ठीक है, अब हम कहेंगे चूंकि कॉट एक्स इज ऑलवेज निगेटिव इन पाई बाई टू, पाई बाई टू से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, इसलिए एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इन पाई बाई टू टू पाई, इसमें इंक्रीज करेगा, इसमें डिक्रीज करेगा, प्रूफ हो गया, लिखना पड़ेगा, कंडीशन लिखना पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, कह रहा है 17 में सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड में डाल दिया आपके बार, इसमें वर्धमान है, इसमें देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, चौथा वाला कोऑर्डिनेट है, चूंकि एफ एक्स बराबर दिया है लॉग कॉस एक्स,
ये हो जाएगा वन अपान कॉस एक्स, फिर कॉस का फिर माइनस साइन एक्स। ये क्या निकालेगा, मॉड पॉजिटिव निकालता है तो हो जाएगा टेन एक्स। हो गया, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स है ना। फिर लिखोगे वही कहानी की टेन एक्स चालीस पॉजिटिव, इसमें तो वर्धमान होगा एफ डैश एक्स, ये पॉजिटिव होगा इस वाले अंतराल में, पहला वाले में सब पॉजिटिव होते हैं इसलिए अभी पॉजिटिव होगा, सो ये इंक्रीज करेगा। चौथे वाले में टेन क्या होता है, निगेटिव होता है, अतः इसका मान निगेटिव में आएगा तो डिक्रीज करेगा, ख़त्म होता है। चलते हैं 18 पर, लिख लेना अपना टोटल रियल नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। टोटल रियल सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स बराबर इतना वर्धमान है आर में, रियल नंबर पूरा लिया है पूरा, कोई बात नहीं। एफ डैश एक्स निकाल लो, 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 आएगा, 3 3 9, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 3, 3x कामन ले लोगे हो जाएगा x माइनस 1, माइनस 1 का माइनस 3 कामन ले लोगे x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 3x माइनस 3। फार क्रिटिकल पॉइंट एक्स माइनस एक, तीन एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, एक्स बराबर एक पाओगे, एक्स बराबर फिर क्या पाओगे, क्या पाओगे यार, तो फिर एक दे रहा है क्या, दोनों एक दे रहे हैं क्या, प्लस 3 हो जाएगा अभी एक दे रहा है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। मिला लो एक बार, एक बार अंक मिला लेते हैं, सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और यह भी सही है। कहा कि हो जाएगा एक्स तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस तीन एक्स प्लस, सही है, एक के पॉइंट पे मिला। अब पूरा और रियल नंबर ले लो, होल नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, ये है वन। इधर भी चेक कर लो, यहाँ पे इंटरवल लिख लो, इंटरवल मिल गया है कितना, माइनस इनफाइनाइट से वन, और एक बार वन टू इनफाइनाइट। आपको दिक्कत हम जानते हैं, बिल्कुल मत सोचना बेटा स्ट्रिक्टली बारे में, स्ट्रिक्टली के बारे में बिल्कुल मत सोचना। जब आपकी किताब में कभी स्ट्रिक्टली जब उठाओ इंग्लिश वाली बुक ना, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा स्ट्रिक्टली कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा। आप जानते हो स्ट्रिक्टली होता क्या है, जहाँ पे लगातार बढ़ेगा वहाँ पे इंक्रीज तो दोनों होते हैं, चाहे स्ट्रिक्टली वाला हो चाहे केवल इंक्रीज वाला हो, स्ट्रिक्टली वाला लगातार होता है, वहीं पर आप मतलब कि थोड़ा मोड़ा अगर किताब होगा तो देख सकते हो। चलो यहाँ पे कोई भी चीज़ ले लो, जीरो मिलेगा जीरो ले लो, जीरो ले लोगे जीरो तो जीरो माइनस वन माइनस थ्री माइनस भी माइनस तो प्लस आएगा यार, तो पॉजिटिव आएगा, इंक्रीज करेगा नहीं। अब वन टू इनफाइनाइट पे ले लो, वन टू इनफाइनाइट पे दो ले लो, दो तो दो एक नम दो, दो तेरह फिर भी पॉजिटिव आएगा यार, ये भी इंक्रीज करेगा, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है। देखो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस वन तक इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा रुका हुआ है, यहाँ पे डिवाई अपॉन डीएक्स क्योंकि जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो आ जा रहा है ना इस वाले पॉइंट पर, फिर यहाँ से इंक्रीज कर रहा है। इसी को मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लिख सकते हो क्या कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ओपन इंटरवल में माइनस इनफाइनाइट से लेके वन तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। फिर वन से लेकर के ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट तक फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, बट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक केवल इंक्रीज कर रहा है, केवल इंक्रीज कर रहा है। वो लैंग्वेज आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 खत्म होता है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। मन करता है आपको होमवर्क दे दूं, लास्ट है ना, सब मैं नहीं लगाऊंगा ना, ओ पेट दर्द। ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पे माइनस एक्स, ठीक है ना, एक बार अंक मिला लो बस। ये हो जाएगा, चलो डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर इसका करोगे माइनस वन, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ले देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस अरे इंटू ई पे माइनस एक्स प्लस टू एक्स ई पे माइनस एक्स, ओके डक्के सक्के, ठीक है ना। ये हो जाएगा ई पे माइनस एक्स इंटू एक्स कॉमन ले लोगे तो माइनस का एक्स प्लस का टू बचेगा, ठीक है ना। फार क्रिटिकल पॉइंट बांटें तब ना, फार क्रिटिकल पॉइंट ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जीरो के,
है तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा यार, उससे कोई मतलब हमको है ही नहीं। या तो x बराबर जीरो क्यों, या तो हाई बराबर जीरो, अगर हाई बराबर जीरो x बराबर दो पाओगे, दो पॉइंट आपको मिला है, नंबर लाइन ड्रा करोगे, एक माइनस इनफाइनाइट और एक प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पे जीरो और यहाँ पे दो मिलेगा, तीन देखो माइनस इनफाइनाइट से जीरो मिला है एक ठो, ठीक है ना, और फिर जीरो से दो मिला है, ये चौथा वाला ऑप्शन है, और फिर दो से इनफाइनाइट मिला है, इसी पे चेक करना है। एक बात बताऊँ क्या, लेकिन बांट लोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, नहीं अगर ऐसे ऐसे चेक करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो चलो कोई बात नहीं, हमको दो पॉइंट मिल गए हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं इंटरवल एफ डैश एक्स का साइन, इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो, माइनस एक मिलेगा, माइनस एक ले लोगे तो माइनस एक हो जाएगा, और ये तो हमेशा प्लस में रहेगा ए माइनस, और माइनस एक अगर ले लो तो हो जाएगा ई पे माइनस एक्स माइनस एक, और माइनस एक प्लस तो एक आ जाएगा, गुणा करोगे फिर माइनस यानी कि नेगेटिव आएगा, इसमें तो डिक्रीज कर रहा है, इनफाइनाइट से लेके दो तक तो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इसी में हाई भी शामिल है, इसी में हाई भी शामिल है, नहीं इसी में शामिल है, इसी वाले इंटरवल में, तो यहाँ भी डिक्रीज करेगा, यहाँ भी फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कर रहा है तो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वाला भी खत्म, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, पूरा से यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, तो ये अभी खत्म हो जाएंगे क्योंकि पूरे में तो ये अभी आ रहे हैं, ये अभी हमको केवल इंक्रीज पूछ रहा है, वहाँ पे ग्रह को लिखना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीज लिखना चाहिए, लेकिन सब वैसे लिखे हैं। अब आ जाओ इसमें जीरो से टू वाले में आ जाओ, वन ले लो, वन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, वन लोगे तो ये भी पॉजिटिव माइनस वन प्लस टू, ये भी यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इस वाले में पॉजिटिव आएगा, इसमें इंक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है, जीरो से टू वाले में इंक्रीज कर रहा है, कोई पॉइंट ले सकते हो, हमेशा प्लस में आएगा, इंक्रीज कर रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें इंक्रीज कर रहा है, गुड मार लो, इसमें चेक कर लो दो से इनफाइनाइट यानी कि चार बार आ जाएगा, तो चार रखोगे तो यहाँ पे तो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव देगा, अभी नेगेटिव आएगा, डिक्रीज करेगा, इस वाले में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यही सही है। इस प्रकार स्टूडेंट सब होता है ख़त्म। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो बताइएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ के आओ तो पक्का आपको दिक्कत हुई होगी, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट कहूँ ना, इसका पहला वाला मतलब कि लेक्चर नंबर 3.6.2 का, इसमें 1 to 5 क्वेश्चन लगे हैं, उसको देख लोगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप पढ़ते रहो, एग्जाम्पल जरूर लगाओ, फिर मिलेंगे आपसे अगले अभ्यास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब के लिए ऑल द बेस्ट।